कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ही हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले बोरोइंग पावर्स या ऋण लेने का अधिकार, उसी में हम कैपिटल मैनेजमेंट में आज, उसके बाद मोर्टगेज पढ़ चुके हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? अ चार्ज सिक्योरिटी गिवन फॉर सिक्योरिटी सिक्योरिंग लोन और डिवेंचर बाय वे ऑफ मोर्टगेज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि क्या करते हैं, मोर्टगेज रखते हैं और क्या बोल रहा है उसके बदले में कुछ चार्जेस, तो उसी के बारे में बता रहा है कि चार्जेस क्या होते हैं। बिकॉज ऑफ अ कंपनी हैज पावर टू बोरो विच ऑल्सो इंक्लूड द पावर गिव सिक्योरिटी, सो कंपनी लाइक अ नेचर पर्सन कैन गिव, नेचुरल पर्सन कैन गिव सिक्योरिटी। किसकी बात कर रहा है? सिक्योरिटी की बात कर रहा है, तो सिक्योरिटी के लिए वो क्या करता है? चार्जेस की बात करता है, कुछ प्रभार लेता है। प्रभार से आशय किसी ऋण के भुगतान के लिए कंपनी की संपत्ति को प्रतिभूति बनाने से है, कि किसको हम क्या कर रहे हैं, प्रतिभूति या सिक्योरिटी बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 124 में क्या बता रहे हैं वो, कि अ चार्ज इंक्लूड अ मॉर्गेज, अ चार्ज ऑल्सो इंक्लूड अ लीन एंड इक्विटेबल चार्जेस वेदर क्रिएट बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बाय द डिपॉजिट और टाइटल डीड। हमने क्या बोला था कि हम एक क्या बनाते हैं, डीड बनाते हैं, हम डीड बनाते हैं जिसको, जिसके बेसिस पे क्या कर रहे थे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, जो हम मोर्टगेज रखते हैं उसको क्या बनाते हैं, उसकी एक डीड बनाते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, मोर्टगेज डीड बोलते हैं या बंधक पत्र बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है, चार्ज इंक्लूड अ मोर्टगेज, क्लियर है? अब इसने क्या बताया था, चार्जेस कितने टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और दूसरा होता है अपना फ्लोटिंग चार्ज। जैसे अभी हमने कल भी डिस्कस किया था, फिक्स्ड चार्ज की क्या बात कर रहा है, चार्ज के प्रकार की अगर बात करें तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, प्रभार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्थायी और दूसरा होता है चल प्रभार। स्थायी प्रभार से आशय ऐसे प्रभार है जो कंपनी की स्थायी और विशिष्ट संपत्ति पर होता है, जैसे कि जो मोर्टगेज के लिए हम क्या करते हैं, जिसको रखते हैं, जैसे कि लैंड को हो गया या किसी अपनी बिल्डिंग को रख रहे हैं, तो वो कौन क्या हो जाता है, वो एक स्थायी हो जाता है, जो एक असेट है, ठीक है ना, वो एक, क्योंकि वो एक अपनी प्लेस पे है, वो तो फिक्स्ड है। क्या बोल रहा है, चार्ज फिक्स मैन अटैच टू अ पर्टिकुलर असेट, कंपनी कैन डील विद द सेट असेट सब्जेक्ट टू चार्ज, अ फिक्स्ड और डिफाइंड चार्जेस चार्ज ऑन डिफाइंड और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ परमानेंट नेचर, लैंड हैवी मशीनरी, जो उसको फिक्स्ड है, जो उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है चल प्रभार, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्जेस। चल प्रभार कंपनी की स्थायी तथा विशिष्ट संपत्तियों पर नहीं होता है, बल्कि ऐसी संपत्ति पर होता है जिसका स्वरूप तथा मूल्य स्थायी रूप से परिवर्तित होता रहता है। मतलब क्या बोल रहा है, जिसका नेचर चेंज होता रहता है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, ये कैसा होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है बार बार, तो इन पर जो चार्जेस होते हैं उसको कौन सा चार्ज बोल रहे हैं हम लोग इनको जब रखते हैं, तो इसको फ्लोटिंग चार्ज। अ फ्लोटिंग चार्ज इज वन विच इज नॉट अटैच टू अ डेफिनाइट प्रॉपर्टी बट डिफाइंड प्रॉपर्टी बट कवर प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लक्चुएशन टाइप इन स्टॉक इन ट्रेड। इन वर्ड इट इज अ इक्विटेबल चार्जेस ऑन असेट फॉर द टाइम बीइंग ऑफ गोइंग कंसर्न। इन फ्लोटिंग चार्जेस द प्रॉपर्टी कैन बी डेल्ट विथ बाय द कंपनी विदाउट कंसल्टिंग द होल्डर्स ऑफ चार्जेस। द कंपनी इज लेफ्ट फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी सो चार्जेस एज इफ नो चार्जेस हैज बीन क्रिएटेड। क्या बोल रहा है कि चल प्रभार जो होते हैं, चल प्रभार बादलों की तरह समय समय पर सामान्य विवरण जनरल डिस्क्रिप्शन की सभी संपत्तियों पर छाया रहता है। चल प्रभार कंपनी की संपूर्ण संपत्तियों पर होता है, परंतु इसे किसी विशेष श्रेणी श्रेणी विशेष की संपत्तियों तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। चल प्रभार कंपनी की वर्तमान तथा भावी
संपत्तियों पर हो सकता है, जैसे स्टॉक एंड ट्रेड की बात कर रहा था। चल प्रभार कंपनी के अधीन संपत्तियों को व्यवसाय के सामान्य गति में बंधक करने, बेचने, विनिमय करने अथवा अन्य प्रकार से प्रयोग करने के अधिकार रखती है। अब चल प्रभार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लोटिंग चार्जेस, क्या क्या हो सकते हैं। चल प्रभार की प्रमुख विशेषताएं है, क्या हैं। चल प्रभार संस्था की सभी संपत्तियों पर या संपत्तियों के किसी स्पेशल वर्ग या स्पेशल क्लास पे हो सकता है। चल प्रभार वर्तमान तथा भावी परिसंपत्तियों पर हो सकता है। इट इज अ चार्ज ऑन अ क्लास ऑफ असेट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द क्लास इज वन विच इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज चार्जिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। निरंतर परिवर्तित होने वाली संपत्तियों जैसे स्टॉक पर भी प्रभार उत्पन्न किया जा सकता है। चल प्रभार में प्रभावित संपत्तियों का उपयोग व्यवसाय के सामान्य, हमने देखा कि जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए हम जिन क्या करते हैं सिक्योरिटीज का या संपत्तियों का उपयोग करते हैं उसके लिए, उस पे उसको भी हम फ्लोटिंग चार्जेस के लिए यूज कर सकते हैं। चल प्रभार को स्थायी प्रभार में परिवर्तित किया जा सकता है। अंटिल सम स्टेप आर टेकन टू इन्फोर्स द चार्ज द कंपनी मे कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन अ यूजुअल वे। तो ये क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या बोल रहा है, इफेक्ट की बात कर रहा था। इफेक्ट ऑफ बाइंडिंग अप ऑन चार्जेस, चार्जेस जब क्या इफेक्ट किस क्या पड़ता है जब क्या होते हैं इसको वाइंड अप करते हैं उसके बारे में बता रहा है। अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी क्रिएटेड विद इन 12 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बाइंडिंग अप इज वॉइड अनलेस। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना था कि प्रभार क्या होता है और प्रभार के क्या प्रकार होते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और हमको डिस्कस करना है इसकी कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, किसका, चार्जेस का। तो जैसे इसमें दिख ही रहा है कि चार्जेस का क्या बोल रहा है, चार्जेस का रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या प्रभारों का पंजीयन कंपनी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार। देखो क्या है कि ये जो इसमें लिखा हुआ है क्या बता रहा है, ये सेक्शन 25 की बात कर रहा है क्योंकि 1956 के हिसाब से बता रहा है, और हम पढ़ रहे हैं कब किसके हिसाब से, क्या बोल रहा है। अच्छा, व्हेन अ कंपनी क्रिएट अ चार्ज ओवर इट्स प्रॉपर्टी सेक्शन 125 रिक्वायर्स दैट चार्ज टू बी रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम कंपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग ही मुझे हर चीज क्या करानी होती है, रजिस्टर करानी होती है। तो इसका चार्जों का भी, चार्जेस का भी, प्रभारों का भी पंजीयन कराना या रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, कंपल्सरी होता है जब हम क्या करा रहे होते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। चार्ज अ चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के किसी भी निर्गमन को सुरक्षित करने वाला प्रभार। फिर अ चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की अयाचित अंश पूंजी पर प्रभार। हम अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल पे कितना प्रभार देंगे, या फिर हम डिवेंचर की बात कर रहे हैं तो अ पर्पस फॉर सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिवेंचर, इन सबको क्या करना होता है, रजिस्टर करना होता है। अ चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनी की किसी स्थायी संपत्ति या उसके किसी हित पर प्रभार। अ चार्ज और एनी ऑन एनी बुक डेब्ट ऑफ कंपनी, कंपनी के वही ऋणों पर या पुस्तक ऋणों पर प्रभार। अ चार्ज नॉट बीइंग प्लेज, चार्ज को कभी भी गिरवी में सम्मिलित नहीं होते हैं, है ना। और एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इस कंपनी की किसी चल संपत्ति पर प्रभार, लेकिन इसको गिरवी में सम्मिलित हम नहीं कर सकते। अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन अंडरटेकिंग ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड, हम ये पहले ही देख चुके हैं कि उपक्रम अथवा कंपनी की किसी संपत्ति जिसमें व्यापार का स्टॉक भी सम्मिलित है पर चल प्रभार हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद चार्ज ऑन कॉल मेड अप बट नॉट पेड, मांगी गई याचिकाओं जिनका भुगतान नहीं हुआ है पर प्रभार।
जहाज या उसके किसी अंश पर प्रभाव, अ चार्ज ऑन अ शिप और एनी शेयर इन अ शिप। फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, अ चार्ज ऑन गुडविल, हम अपनी ख्याति, पेटेंट, पेटेंट के अधीन किसी लाइसेंस, ट्रेडमार्क या प्रति लिप्याधिकार कॉपीराइट या उसके अधीन किसी लाइसेंस पर प्रभार। मतलब क्या बोल रहा है, अ चार्ज ऑन गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस अंडर अ पेटेंट और ट्रेडमार्क और ऑन अ कॉपीराइट और अ लाइसेंस अंडर अ कॉपीराइट, इन सब पे क्या है प्रभार को मुझे क्या करवाना होता है, रजिस्टर कराना होता है। तो जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब हम क्या कराते हैं कि हमने कौन कौन से प्रभार हम कैसे कैसे यूज करेंगे उनको भी हम क्या कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं। क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, जिस सिक्योरिटी को मैं क्या कर रही हूँ, जिस प्रतिभूति को किस पे रख रही हूँ, मोर्टगेज मतलब कि बंधक बना रही हूँ उसकी बात करें तो हम किस किस को बना सकते हैं, किस किस को नहीं बना सकते, उसका क्या कराना होता है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। डिवेंचर का अर्थ क्या होता है, अर्थ और परिभाषा बोलूं तो ऋण पत्र, ऋण पत्र स्टॉक भी सम्मिलित है एक कंपनी व्यक्तिगत या स्वतंत्र ऋण पत्र के स्थान ऋणों को दर्शाते हुए कई ऋण कोष की स्थापना करती है, जिसे वो क्या बोलती है, ऋण पत्र स्टॉक कहते हैं। यह एक वर्ग होता है, डिवेंचर के बारे में क्या बता रहा है, डिवेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट अडेप्ट और एक्नॉलेज इट एंड एनी डॉक्यूमेंट विच फुलफिल आइदर ऑफ दोस कंडीशन इट इज अ डिवेंचर। ऋण पत्र के बारे में मैंने बताया कि ऋण पत्र क्या होता है, एक कंपनी व्यक्तिगत या स्वतंत्र ऋण पत्र के स्थानों पर ऋणों को दिखाते हुए क्या कर सकती है, ऋण कोष की स्थापना कर सकती है। द टर्म डिबेंचर सिंपली एक डॉक्यूमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन मेड टू द कंपनी एंड प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सम borrowed until the debenture is redeemed। सिंपली देखा जाए तो ऋण पत्र एक स्वतंत्र इकाई होती है, ऋण पत्र का कैसा होना, पूर्णत्व होना अनिवार्य होता है। ऋण पत्र एक इकाई के रूप में सरलता से क्या की जाती है, हस्तांतरित की जा सकती है। एक टाइप का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिबेंचर के बारे में। ये क्या है, एक प्रलेख है बोलना चाहिए, ऋण पत्र एक प्रलेख का विवरण होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं लोन मेड टू द कंपनी एंड प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम बोरोड अंटिल द डिवेंचर इज रिडीम, जब तक कि उसको रिडीम करना है। फिर उसके फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, ये क्या होता है, डिवेंचर इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ कंपनी। एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी की क्या लिखी लगी होती है, सील लगी होती है। फिर क्या बता रहा है, द सर्टिफिकेट इज वही जो ऊपर लिखा हुआ है, द सर्टिफिकेट इज एन एक्नॉलेज बाय द कंपनी ऑफ इट्स इनडेबटनेस टू अ होल्डर। डिबेंचर यूजुअली प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। फिर क्या बोल रहा है, डिवेंचर यूजुअली प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज पेड बैक। फिर डिवेंचर कैरी नो वोटिंग राइट्स इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। हमने पहले भी पढ़ा था कि डिवेंचर कौन होता है, डिवेंचर होल्डर, वो सब हमने डिस्कस किया था। तो हमें क्या होती है, इन सब टाइप्स ऑफ डिवेंचर की बात कर रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब कि क्या होते हैं, इसके कन्वर्टेबल हो सकते हैं, रिमेबल रिडीमेबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, वेरिएट। हम सब ये क्या इसमें पढ़ रहे थे, कैपिटल मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे थे कि कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, कैपिटल को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो कैपिटल को मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास बोरोइंग पावर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऋण लेने का अधिकार।
हम अपनी स्वयं की कैपिटल को यूज कर सकते हैं, ऑन कैपिटल को, या तो हम क्या करेंगे, ऋण लेंगे, बोरो करेंगे। फिर बोरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मोर्टगेज रखना पड़ेगा। किसको रखेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रभार या चार्जेस बोल रहे हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं हमने वो पढ़ लिया, किस किस को रख सकते हैं। फिर हमने डिवेंचर देख लिया कि डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर एक ऋण पत्र, एक चल संपत्ति, एक प्रलेख है जो किसी कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए ऋण के बदले में कंपनी की सार्व मुद्रा के अंतर्गत ऋणदाता को दिया गया ऋण का प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, ऋण पत्र पता चल गया। ऋण पत्र की और परिभाषा बता देती हूँ। ऋण पत्र कंपनी की सार्व मुद्रा युक्त एक प्रलेख है जो कंपनी के ऋणी होने के स्वीकृति के प्रमाण पत्र स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाताओं को दिया जाता है। ऋण पत्र एक प्रलेख है जो या तो ऋण का निर्माण करता है अथवा ऋण को स्वीकार करता है। फिर हमने डिवेंचर देख लिया कि डिवेंचर क्या होता है। उसके बाद क्या बता रहा है कि डिवेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं, वो हमने पहले भी पढ़े थे कि डिवेंचर कितने टाइप के हो सकते हैं। इनरिडीमेबल हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं। एक तो रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है, दूसरा होता है विमोचनशील जिसको हम रिडीमेबल बोलते हैं, एक होता है अविमोचनशील जिसको हम इररिडीमेबल बोलते हैं। फिर बंधक युक्त ऋण पत्र होता है जिसको मॉर्टगेज डिवेंचर, परिवर्तनीय, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, अपरिवर्तनीय, ये सब हमने क्या पढ़े। इसमें हम इन सब के थ्रू क्या करते हैं, हम इन सब के थ्रू कंपनी में जो जरूरत पड़ने वाली है कैपिटल की, उस कैपिटल को मैनेज करते हैं। क्लियर है सभी को?